तो हेलो दोस्तों, मैं जा रहा था रास्ते में नैनीताल रोड पे, तो मुझे अचानक जादनपुर गांव दिखाई दिया। तो वहाँ बहुत ज़ोर शोर से मुहर्रम मना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देखूँ। तो मैं वहाँ जाकर देखा, मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और मैंने देखा बहुत अच्छे से यहाँ पर मुहर्रम मना रहे हैं लोग। लेकिन अचानक क्या होता है, मैं देखता रहता हूँ, मुझे अचानक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली दोस्तों। मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे देख सकते हैं तरह तरह के ताजिया मुहर्रम बने हुए हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मुहर्रम की तैयारी हो रही है। और दोस्तों अभी यहाँ पे मुहर्रम है, और तो अचानक मैंने इधर देखा साइड में यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लोग अपने तकरीरें जो भी हैं यहाँ पे साउंड सुराई वगैरह जो अपनी यूज कर रहे हैं। तो अचानक मुझे दिमाग में आया, मैं देखता रहा। फिर मैंने यहाँ पर फाटक पर थोड़ा बढ़ के देखा यहाँ पर क्या हो रहा। दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने फाटक पे जाके जब देखा तो वहाँ बहुत हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जुलूस अच्छे से कर रहे हैं फाटक पे। जैसे मैं आगे को बढ़ा और ज़्यादा मैं उधर को जाता रहा, मैंने सोचा और आगे जाके देखूँ इधर क्या हो रहा। तो रेलवे फाटक के इस पार और उस पार बहुत ज़्यादा मुझे पब्लिक देखने को मिली। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक। और थोड़ा मौसम भी यहाँ बारिश का था, लेकिन बारिश हुई नहीं थी, लेकिन आसार बारिश के थी। तो यहाँ देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है, अचानक यहाँ पर रेलगाड़ी का पंखा बंद हो जाता है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। पब्लिक एक समुदाय पब्लिक इधर है, और दूसरा समुदाय इस साइड में। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर बीच में प्रशासन भी हमारा। तो यहाँ पर इस तरीके से लोग जमा थे, देख सकते पब्लिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो मैं आपके लिए सब कुछ दिखाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ बीच में रेलवे ट्रैक है, और पब्लिक इस पार उस पार बहुत ज़ोर शोर से जुलूस। तो मुझे अचानक समझ में आया, मैंने सोचा यहाँ पे पता नहीं दंगा हो रहा, ये पार्टी अलग ही पार्टी। मैंने ये सोच के मैंने सोचा देखूँ क्या है। मैं थोड़ा दूर से मैंने वीडियो शूट की, अचानक देखा तो वहाँ नारेबाजी, इधर भी नारेबाजी। मैंने सोचा यहाँ पे लग रहा दो समुदाय के बीच कोई अनबन ना हो जाए, मैंने सोचा। और अचानक ट्रेन आने का संदेश हुआ, तभी ये फाटक बंद हुए, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ में इकट्ठा थे। तो मैंने सोचा हो सकता है लड़ाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, ये सब आपस के ही लोग थे। तो वो अच्छा है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैफिक बंद हो गया, तो लोग वहाँ के कहाँ रुक। तो इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगा दोस्तों, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें।